Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so this one. Should we do video? So that's got a tea bar there and upstairs. Should I just finish with the media bites first? You take a round and come. You tell me. How well? Okay. ओके तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जब किस तरह के रेस्टोरेंट में आप प्रेजेंट होते हैं और क्या कुछ फीलिंग होती है, कितना एंजॉय करने वाली आज की बात। सो आई एम अ फूडी एंड दिस इज डिनर टाइम एंड आई एम गोना ईट अ लॉट. So I am hoping that, I mean, this is a beautiful place. I love the interiors. It's a new place that's opened up, which offers you a global cuisine. And I'm just looking forward to the food. मैं सब खाती हूँ. मैं नॉर्थ इंडियन टू साउथ इंडियन टू चाइनीज टू जापानीज टू एवरीथिंग. आई लव खाना बेसिकली. मुझे कुछ भी खिला लो. तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि लाइक एक्सरसाइज में कितना बिलीव करते हैं, कितना अपने आप को कैसे फिट रखती हैं. अच्छा, आई हैव टू वर्क आउट अ लॉट बिकॉज आई रियली आई एम नॉट blessed naturally, like, you know, some people really can be fit and not have to work out too much, but I guess it's what you're just doing that it's bothersome. No, but I have to work out. Yeah, I work out at least an hour and a half to 2 hours in the gym every day. So Hrithik vs Tiger's coming, it's titled, and you'll get to hear about it very soon. Actually, very, very soon. And then Shamshera is also, we're in the midst of the shoot. This whole year, hum Shamshera ki shoot kare, and next year it's out for release. How was experience with Shamshera? It's amazing. With who? With Shamshera? Mm-hmm. Shamshera team is phenomenal. I mean, again, I'll say that I'm blessed to be working with such amazing, talented people. Karan Malhotra has really put his faith in me. So I'm happy and grateful to him at the same time. जाते जाते अपने फ्रेंड को कुछ विश करना चाहेंगे आप? किसके लिए? अपने फ्रेंड को कुछ विश करना चाहेंगे. मेरा फैन कौन है? अच्छा, हाँ, फ्रेंड फ्रेंड ओह या, दिस इज जस्ट ओपन अप दिस प्लेस. आई एम गोना लुक अराउंड. आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम. लुकिंग फॉरवर्ड टू द फूड. थैंक यू. Yeah. You want to do it downstairs first? Yeah. Just have a look. Nana? Yeah, pe. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप हमारे साथ यहाँ पर आए और बहुत देर से आप लोग हमारे साथ हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. वेल, दिस इज़ द कलोनियल पैलेट TCP. दिस इज़ अ वेरी कलोनियल कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम कई पुरानी डिशेज लाए हैं जो आपने 50-100 साल पहले सुना होगा जिनका नाम. सो द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम एंड द कॉलोनीज वर फॉर्म्ड स्पेशली इन दिस एरिया. सो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही पुरानी रेसिपीज़ को एक नए मॉडर्न स्टाइल में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम. सो बेसिकली दादी माँ के ज़माने में जो आपने रेसिपीज़ सुनी होंगी या देखी होंगी, जो इंग्रेडिएंट्स, जो स्पाइसेस यूज़ होते थे, उनको हम एक नए और मॉडर्न स्टाइल में लेकर आ रहे हैं. सो इट्स अ फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी विथ द ओल्ड एंड क्लासिक स्टाइल. Well, so if you talk about the cuisine, it's Indian, continental, Asian,
मिक्स विद अ कॉलोनियल कॉन्सेप्ट. सो आप हम कह सकते हैं कि हमने एक नया क्विजीन फॉर्म कर लिया, व्हिच इज अ कॉलोनियल क्विजीन. सो यू नेम इट एंड यू हैव इट फ्रॉम द इंडियन डिशेस टू वेरी, इफ यू कॉल अबाउट टॉक अबाउट रिजोटो विद पास्तास एंड विद बटर चिकन एज वेल, इंडियन एशियन कॉन्टिनेंटल फ्यूजन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम इन अ कॉन्टिनेंट इन अ कॉलोनियल स्टाइल. तो इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी healthy. All the dishes are very healthy. Even if you try the desserts, it's like not very sweet. It's like our kind of palate. That because I am from North India, I am from Lucknow city, Nawabo ke shehar mein, jahan pe hum log ka the taste buds are so high on this thing ki hume acha khana, Mughlai khana khane ki bahut zyada aadat thi bachpan se. So that's how we decided that we are going to open a restaurant jahan pe hum Mumbai shehar mein bhi ek थोड़ा सा मुगलाई टच के साथ साथ वी आर गोइंग टू गेट दिस कॉलोनियल कॉन्सेप्ट. सो दैट्स हाउ वी हैव कम अप विद टीसीपी एट काला घोड़ा द कॉलोनियल पैलेट. थैंक यू सो मच. मैम क्या कहना चाहते हो? मैं आपका लंबे टाइम से इंतजार कर रहा हूं सच में. इसलिए एक आपने भी देना चाहिए, हमेशा पिक्चर में आ जाते हो. मेरे ख्याल से आप बाद में आए सर, फोटो करते हैं थोड़ा सा. पीछे सर, सर सर सेंटर. मैम अरे देखो शिल्पा मैम खत्म हुआ. आइए आइए आप आ जाओ. ओके. तो सुनील जी, अब तक ये रेस्टोरेंट आपको जितना दिखाई दे रहा है, बताइए कि आपको कैसा लगा? आपने अभी तक मौका ही नहीं दिया मुझे देखने का. हाँ, सामने यहाँ से देख के बहुत अच्छा लगा है. और रेस्टोरेंट देखने में पहले अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा लग रहा है. मैं थोड़ा सा खाऊंगा फिर देख बताता हूँ कैसा. मुझे तो माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, लेकिन माँ को मतलब रोज़ खाना मतलब पॉसिबल नहीं होता खाना, तो बाहर भी अच्छा लगता है आपको. लेकिन कॉलोनियल पैलेट बोलने में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगा मुझे. आज क्या खाने वाले हैं मतलब मैडम, आप इन्हें आज क्या कुछ स्पेसिफिक खिलाने वाले? मुझे पता नहीं अभी यहाँ का मेन्यू क्या है. हाँ, तो मैं मेन्यू देखूंगा. फिर मेन्यू में क्या क्या है? एवरीथिंग हेल्दी ह्यूमरस एंड हेल्दी. खाना खा के हंसी आ रही. सो मैं ऑफकोर्स देखूंगा कि कैसा है खाना, उसके बाद बताता हूँ. भारत की सफलता की अगर हम बात करें तो हमने देखा एक पिक्चर आपकी देखी, आप समुंदर में नहाकर काफ़ी नमकीन हो गए थे. ज़रा बताइए कि कितना एंजॉय किया समुंदर में नहाने में. नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. आप देखिए आपने कितना एंजॉय किया. समुंदर में नहाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और पता नहीं समुंदर को कितना अच्छा लगता है, मच्छियों को कितना अच्छा लगता है, इसका अंदाज़ा नहीं है. ऑफकोर्स हैप्पी दैट लोगों ने पसंद किया भारत को, और मुझे बहुत खुशी है उसकी सक्सेस के साथ. मैं अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है, मैं जल्दी जैसे डिसाइड होता है मैं आपसे शेयर करूँगा, बहुत जल्दी शेयर करूँगा. अभी फ़िलहाल आई थिंक कुछ दिनों में मैं आपसे शेयर करूँगा डेवलपमेंट जो भी आपसे शेयर करूँगा. इन दिनों हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज का बहुत ट्रेंड है, लोग वेब सीरीज में भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. सारे सवाल आप ही को आते हैं. आपसे सीखा है, आपका शो देखे. अच्छा, तो आप बताइए कि वेब सीरीज में भी हम आपको देखेंगे लाइक ऐसे कुछ? जी, वेब सीरीज बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट बन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ मैं भी अच्छा करूँगा इंटरनेट स्पेस पर, पर अभी तक कुछ ऐसा है नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. गुड लक. थैंक यू मेरे लिए. थैंक यू. आप लोगों ने खाया खाना? हाँ, आओ खाना खाते हैं इकट्ठे. थैंक यू. हाँ भी ब्रदर.
हाँ बताया में